निकी तंबोली ने उड़ाया रुबीना की फैशन सेंस का मजाक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नित्यांशी एंड वेलकम टू फिल्म विंडो। हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही आप मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है एंकर नित्यांशी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बिग बॉस 14 की लाइव फीड में फिलहाल हम क्या देख रहे हैं। तो हो कुछ ऐसा रहा है कि बेडरूम में अली, राहुल और निकी एक साथ बैठे हुए हैं और तभी बातों ही बातों में रुबीना के ड्रेसिंग की बात निकलती है। जी हाँ, रुबीना के फैशन सेंस की बात निकलती है, जहाँ पर राहुल निकी से पूछते हैं कि तुम लोग रुबीना के फैशन सेंस का मजाक क्यों उड़ाया करते थे। तो निकी जवाब देती है, अरे देखो ना क्या फनी फनी चीज़ें पहनती थी ये, हेयर बैंड, बच्चों वाली क्लिप्स, लहंगे पे भला हेयरबैंड कौन लगाता है। ये जो शब्द हैं वो वर्ड टू वर्ड हमने सुना कि निक्की के मुंह से निकले हैं। निक्की जो रुबीना को अपनी इतनी अच्छी दोस्त बताती है, आज राहुल और अली के साथ बैठकर रुबीना की फैशन सेंस का मजाक उड़ाती हैं। नो डाउट वो ये भी कहती हैं कि ये बात तो मैंने खुद भी रुबीना से कही है, मैंने पर्सनली रुबीना से कही है कि इस तरह से फनी फनी चीज़ें मत पहना करो। निकी की भाषा में कहे तो फनी गिरी मत किया करो, लहंगे के ऊपर हेयरबैंड क्यों पहनती हो, फनी लगता है। ऐसी बातों को लेकर भी अब घर में एक दूसरे के पीठ पीछे कॉन्वर्जेशंस होते हैं। बताइए अब क्या ये कोई बात थी बिचिंग की या पीठ पीछे बोलने की। अब निकी को कौन बताए कि जिस रुबीना के फैशन सेंस का वो मजाक उड़ा रही हैं, हाल ही में सोशल मीडिया पर स्टाइल आइकॉन रुबीना के नाम से वो ट्रेंड कर रही थी। जी हाँ, तो इस तरह की जो बातें हैं फिलहाल लाइव फीड में देखने मिल रही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट का जो टास्क है वो भी शुरू हो चुका है। तो निक्की अली, राहुल और इस टास्क से जुड़ी और बिग बॉस के घर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट मैं नित्यांशी आपके लिए यहीं लेकर आऊँगी। इसलिए डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग फिल्म विंडो।